जय फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग की क्लास में। दोस्तों, आज की रीजनिंग क्लास आप सभी के लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे क्योंकि आज की रीजनिंग क्लास में दोस्तों आपको दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, साथ दोस्तों उसको कैसे सॉल्व किया जाता है सभी को दोस्तों स्टेप बाई स्टेप मैं इसमें बताऊँगा यहाँ पे, ठीक है। तो आए हम बिना देरी के और अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन पे कहा गया दोस्तों यहाँ पे कि एक आदमी का मुख पूर्व की ओर है, यदि घड़े की विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमता है तब उस आदमी का मुख किस दिशा में होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते दोस्तों सभी को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हर एक वर्ड के आपको मीनिंग इसमें बताऊंगा साथ ही यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ते दोस्तों, जो वीडियो में नया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यहाँ पे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया कि एक आदमी जो है वह पूर्व की ओर अपना मुख करके खड़ा है यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे, ओके। ये आपका पहला सेंटेंस एंड दूसरा सेंटेंस में कहा यह गया कि यदि घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। तो घड़ी की विपरीत दिशा मतलब दोस्तों घड़ी जो है वो आपका राइट साइड से ऐसे चलता है यहाँ पे, ठीक है। तो घड़ी की विपरीत दिशा दोस्तों यानी कि घड़ी जो है वो इस प्रकार से यहाँ पे उल्टा, ठीक है, लेफ्ट साइड से। तो हमको जो कहा गया दोस्तों घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि दोस्तों लेफ्ट साइड से काउंट करना है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे 270 डिग्री घूमता है यहाँ पे, ठीक है, तब उस आदमी का जो है मुख की दिशा में होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे दिशा देख लेते हैं इसमें से, ठीक है। तो दिशा आपका दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दिशा जो है वो चाहे कागज़ में हो या फिर ब्लैक बोर्ड में हो दोस्तों, जो उत्तर दिशा है वो ऊपर में रहता है यहाँ पे, ठीक है, ओके फ्रेंड्स यहाँ पे, और दक्षिण जो है वो आपका नीचे में रहता है, ओके। एंड आपका जो है राइट साइड में आपका पूर्व एंड आपका लेफ्ट साइड में आपका पश्चिम दिशा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम दोस्तों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों यहाँ पे कि एक आदमी का मुँह पूर्व की ओर है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपका दिशा दोस्तों यहाँ पे पूर्व दिशा ये हो गया आपका, दक्षिण दिशा ये हो गया आपका, ओके, उत्तर दिशा आपका ये, ओके, और यहाँ पे आपका पश्चिम दिशा, ठीक है। तो पूर्व की ओर दोस्तों यानी कि यहाँ की ओर, यहाँ पे पूर्व की ओर, ओके। यहाँ पे आप दोस्तों यहाँ पे 270 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में आपको लेना है यहाँ पे, ठीक है। जो घड़ी जो है दोस्तों यहाँ पे वो राइट साइड चलती है और हमको जो है घड़ी की विपरीत दिशा लेना है यानी कि लेफ्ट साइड से यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट साइड दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप देख सकते दोस्तों उत्तर और पूर्व के बीच दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 90 डिग्री यहाँ पे का एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, 90 डिग्री। फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे उत्तर से पश्चिम की और फिर से दोस्तों घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेंगे तो फिर से आपको जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ओके। दोस्तों यहाँ पे सेम उसी प्रकार से यहाँ पे पश्चिम से दक्षिण की ओर दोस्तों फिर से आपका जो है वो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे यानी कि, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दोस्तों घड़ी की विपरीत दिशा में उसको हम काउंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 9 यहाँ पे, 90 यहाँ पे और 90 यहाँ पे दोस्तों, तो 9 + 27 यानी कि 270 डिग्री यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स, 270 डिग्री यहाँ पे हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखना है कि कौन से दिशा में पहुँचा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप देख सकते हैं दक्षिण की ओर यहाँ पे, ठीक है, तो दक्षिण की ओर यहाँ पे पहुँचा है यहाँ पे। तो दिशा कौन सी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे, दक्षिण की ओर, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से सॉल्व किया जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। आए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है। वीडियो को दोबारा रिप्ले करके आप देख लीजिए उसको, ओके दोस्तों, आपको फिर से समझ में आ जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ इसमें से, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दोस्तों, नीचे दी गई अक्षर एक निश्चित पैटर्न के मुताबिक जमी हुई है,
अब आपको इसमें ये बताना है दोस्तों कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यानी कि यहाँ पर कौन सी अक्षर आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो आए देखते दोस्तों यहाँ पे पहला दूसरा एंड तीसरा में कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिक्स किया हुआ है। तो आप देख सकते दोस्तों सी और जी यहाँ पे, ठीक है। सी और जी में कौन से यहाँ पे डिफरेंस दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसमें वर्ड काउंट करेंगे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो सी से जो है दोस्तों जी तक कितना यहाँ पे वर्ड्स आया है, यानी कि सी के बाद डी ई और एफ यहाँ पे, ठीक है, यानी कि तीन वर्ड यहाँ पे। तो याद रखिए दोस्तों इसका जो है वो तीन वर्ड। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे एम से आर तक का यहाँ पे, ठीक है। तो एम से कौन कौन सा, एम के बाद कौन कौन से वर्ड आते हैं यहाँ पे, तो एम के बाद दोस्तों आपका आता है एन यहाँ पे, ओ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ओ आता है, एम एन ओ पी, ठीक है, और क्यू यहाँ पे, ठीक है, एन ओ पी क्यू यहाँ पे, यहाँ पे तीन दोस्तों और यहाँ पे चार, एन ओ पी क्यू आर यहाँ पे, आर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले वाले में तीन दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पे चौथे वाले दूसरे वाले आपका चार वर्ड्स का यहाँ पे, चार अल्फ़ाबेट का अक्षर का। आप देखेंगे दोस्तों डीजे, तो डीजे में कितना दोस्तों वर्ड यहाँ पे अल्फ़ाबेट जो है वो इसमें काउंट करेंगे इसमें। तो डी के बाद दोस्तों आपका आता है ई, ठीक है, ई, उसके बाद आता है आपका एफ, उसके बाद आता है जी, उसके बाद आता है एच, उसके बाद आता है आपका आई, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 इसमें। तो इसमें दोस्तों तीन, इसमें चार और इसमें पाँच। तो अब आपको कैसे करना है दोस्तों, नेक्स्ट में आपको छः वर्ड्स यहाँ पे डिस्टेंस करना है यहाँ पे, ठीक है, ओ से लेकर। तो ओ के बाद दोस्तों कौन कौन से आते हैं, ओ के बाद आपका पी आता है, ठीक है, क्यू आर एस टी, ठीक है, यू, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे, ठीक है। तो सिक्स अल्फ़ाबेट के बाद दोस्तों यहाँ पे कौन सा वर्ड आता है यहाँ पे, यानी कि अल्फ़ाबेट यानी कि अक्षर आता है, तो दोस्तों यू के बाद जो है वो भी आता है यहाँ पे। तो वी किस ऑप्शन में दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अल्फ़ाबेट डिस्टेंस यहाँ पे दी गई दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वी यहाँ पे, नो डाउट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया साथियों यहाँ पे, निम्नलिखित श्रेणी में से कौन सी पसंद अनुपस्थिति अक्षरों में से मेल खाती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बी फी और डी यहाँ पे, जो कि आपके चर्चर अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे शामिल किए गए हैं। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ए के बाद यहाँ पे ब्लैंक ब्लैंक आपको यहाँ पे जगह दी गई है, उसी में आपको दोस्तों भरना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को दोस्तों सॉल्व करने से पहले आपको जो है वो सभी को काउंट करना पड़ता है, इसमें आपको पहले बता दूं यहाँ पे। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी को काउंट करेंगे, जो भी यहाँ पे खाली स्थान है उसको भी काउंट करेंगे इसमें, ठीक है। तो आइए चलिए काउंट कर दे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 इसमें, ठीक है। तो इसमें हमारे दोस्तों कितने वर्ड्स हैं यहाँ पे, वो अल्फ़ाबेट 16 यहाँ पे। तो हमको जो है दोस्तों 16 यहाँ पे निकल गया, तो हमको जो है वो चर्चर के ग्रुप आपस में रखना है यहाँ पे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर इसमें दोस्तों 15 होता तो हम 3 और 5 का ग्रुप बनाते इसमें, ठीक है, अक्षरों का ग्रुप, ठीक है, जिसे हम अक्षरों का ग्रुप कहते हैं। तो हमको यहाँ पे 16 अक्षर मिले हैं, उसमें हम चर्चर के ग्रुप यहाँ पे बनाएंगे। तो चलिए बनाते इसमें चर्चर का ग्रुप यहाँ पे, ठीक है। तो आपका 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे हो गया, और 1 2 3 4 यहाँ पे हो गया, ठीक है, और 1 2 3 4 यहाँ पे हो गया, 1 2 3 4। तो सभी दोस्तों चर्चर के ग्रुप में बढ़ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आए दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देख सकते हैं चर्चर के ग्रुप में हम जैसे यहाँ पे बांट देते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 4, और यहाँ पे हो गया आपका 4, यहाँ पे आपका 1 2 3 4, ठीक है। आप दोस्तों जो जो यहाँ पे ब्लैंक खाली स्थान है उसमें दोस्तों इसको जो है वो ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। तो दोस्तों सिंपली से ए के बाद आपको ऐसा फिल अप कर देना, आपको बी इसमें, ठीक है, उसके बाद ए बी सी, तो इसमें दोस्तों आपको कर देना दोस्तों सी, ओके, और ए बी सी, ठीक है दोस्तों, तीसरे में कर देना आपको सिंपली ए, उसके बाद कर देना दोस्तों इसमें देख सकते ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, उसके बाद कर देना आपको यहाँ पे ए बी सी के बाद
ए इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी यहाँ पे खालिस्तान जो है वो फिलअप हो चुके हैं दोस्तों। आप आंसर जो है दोस्तों अजा आप यहाँ पे फिलअप किए हैं वही आपका आंसर, यानी कि ठीक है, यानी कि आपका जो यहाँ पे बी सी ए और ए यहाँ पे यही आपका दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों इस वाले ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें राइट हो जाएगा, बी सी ए ए, ओके। आई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, यदि एस ओ एन सन इज इक्वल टू, यहाँ पे देख सकते हैं सन 935 और टेन 687 है तो स्टोन कितना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया दोस्तों नंबर ऑफ प्लेस यहाँ पे सिंपल से, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी क्लास में करा चुका हूँ, ठीक है। तो सन 10 को मिलाकर स्टोन यहाँ पे देख सकते हैं, अब स्टोन को नंबर ऑफ प्लेस के हिसाब से दोस्तों आपको राइट आंसर लाना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आप सन के यहाँ पे देख सकते हैं एस ओ एन, ओके, जिसमें दोस्तों एस का जो नंबर ऑफ प्लेस है यहाँ पे देख सकते हैं 9, ओ का आपका नंबर ऑफ प्लेस है जो हो जाएगा 3 और आपका 9 का जो नंबर ऑफ प्लेस है वो हो जाएगा 5 यहाँ पे, ठीक। उसी प्रकार से दोस्तों हम 10 का देखेंगे, सो इसको याद रखिए दोस्तों, 10 को हम देखेंगे टी ई एन यहाँ पे, टी का हो जाएगा दोस्तों आपका 6 यहाँ पे, ई का हो जाएगा आप यहाँ पे 8, ओके, और आपका एन का हो जाएगा यहाँ पे 7, ठीक है। अब दोस्तों स्टोन का देखना है, जिस प्रकार से हम दोस्तों यहाँ पे एस का नंबर ऑफ प्लेस यहाँ पे निकाले थे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ एस ओ एन 9, यहाँ पे देख सकते हैं 935 हो जाएगा और 10 का यहाँ पे, ओके, 6, 8 और 7। और यहाँ पे पूछा गया दोस्तों स्टोन का, यानी कि एस टी ओ एन ई यहाँ पे, तो एस का कितना दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं, एस का कितना यहाँ पे 9 यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9 यहाँ पे, ठीक है। और टी किस में दोस्तों, तो 10 वाले में टी यहाँ पे देख सकते हैं 6 इसका हो जाएगा आपका, ओके, यहाँ पे 6 इसका हो जाएगा, ठीक है, 6 यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 यहाँ पे हो गया आपका। उसके बाद दोस्तों ओ का, तो ओ का नंबर ऑफ प्लेस यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, ओ का 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, नो डाउट। और यहाँ एन का बचा, तो एन दोस्तों यहीं पे आपका ओ के बाद यहाँ पे एन है, तो ओ का एन का नंबर ऑफ प्लेस दोस्तों यहाँ पे 5 हो जाएगा आपका, ओके, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका कौन सा बचा यहाँ पे, ई का, तो ई का नंबर ऑफ प्लेस कितना है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ई का नंबर ऑफ प्लेस दोस्तों 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ई का नंबर ऑफ प्लेस कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, 96,358 यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो यही इसी प्रकार से दोस्तों नंबर ऑफ प्लेस के, नंबर ऑफ प्लेस के जो क्वेश्चन है इसी प्रकार से सॉल्व किया जाता है दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे यूपीएससी सीएपीएफ का जो है वो वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ फ्रेंड्स, जिसका सिलेबस में है जल्द ही लेकर आ रहा हूँ यहाँ पे, जी हाँ फ्रेंड्स। तो चैनल पे बने रहिए यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। और जो जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने सभी साथ तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलो यहाँ पे साथियों, ठीक है यहाँ पे। तो जल्दी जाइए और यहाँ पे शेयर कीजिए यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे, और जल्दी जाइए वैकेंसी अपडेट देखिए दोस्तों, न्यू वैकेंसी आपके यूपीएससी सीएपीएफ का यहाँ पे, ठीक है, जल्दी उसके लिए सिलेबस जो प्रोफाइल अपडेट सभी को A to Z यहाँ पे मैं बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।